सब्सक्राइब करें टेक्सेप ट्रेंड यूट्यूब चैनल को और नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना हो या फिर एक शहर से दूसरे शहर में पैसे भेजना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? दोस्तों, आपके पास ऐसी कई सर्विस हैं, उसके जरिए आप अपने पैसे भेज सकते हैं। आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग या फिर UPI बैंक ट्रांजेक्शन या फिर आपके पास पेटीएम है, फ्रीचार्ज है या फिर पेफोन है। इन एप्लीकेशन का यूज करके आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंडों में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सोचने वाली बात है, इन एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और प्ले स्टोर पर इनके साथ ही कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फेक होते हैं। अगर हम उनका यूज करते हैं तो हो सकता है हमारे जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, डिटेल, वो लीक हो जाए और हमारे जो डाटा है वो चोरी होने के बाद हमारे जो पैसे, अकाउंट का जो अमाउंट है, हो सकता है वो गायब हो जाए। तो इसी को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ सोनू, आप देख रहे हैं टेक्सेप ट्रेंड यूट्यूब चैनल। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि खासकर बैंक से जुड़ा हो, UPI ट्रांजेक्शन से जुड़ा, तो आप इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि प्ले स्टोर पर ऐसे हज़ारों एप्लीकेशन हैं जो बैंक के लोगों के साथ तो आते हैं, बैंक के नाम के साथ आते हैं, लेकिन वो बैंक से जुड़े नहीं होते, यानी कि वो हैकर्स के होते हैं, चोरों के होते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं और लोग उनको डाउनलोड करके अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं और उनका जो डाटा है वो लीक हो जाता है और उनके जो हज़ारों लाखों रुपये हैं उनके अकाउंट से गायब हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, जब आप प्ले स्टोर से मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल आप कर रहे हैं उसके नीचे एक लाइन रहती है जिसमें जिस कंपनी ने उसे बनाया है उसके बारे में बताया होता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए और जिस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर जाइए और जिस कंपनी ने उसे बनाया तो उसी के नीचे डिटेल में रहता है। अगर वो स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम स्टेट बैंक का एप्लीकेशन लेते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा स्टेट बैंक प्राइवेट लिमिटेड, तो यानी कि वो स्टेट बैंक के द्वारा बनाया गया है। तो बाकी जो बैंक रहते हैं उनका नाम रहता है, उनकी कंपनीज रहती हैं। अगर वो एप्लीकेशन फेक है तो उनका जिस बैंक का एप्लीकेशन है और उसकी डिटेल नहीं है या फिर उस किसी अलग कंपनी का नाम आ रहा है या फिर किसी अलग प्राइवेट लिमिटेड या फिर कुछ भी आ रहा है तो हो सकता है वो एप्लीकेशन फेक हो। तो बस इंस्टॉल करते समय इसी बात का ध्यान देना है कि जिस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी आप डिटेल देखिए, साथ में उसकी जो कमेंट्स हैं, रिव्यू हैं, उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप कमेंट्स रिव्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूजर्स के जो रिव्यू रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो उनसे आप समझ सकते हैं कि हो सकता है जो एप्लीकेशन सही है या फिर ये गलत है। तो रिव्यू को पढ़ें, साथ में उस कंपनी को देखें किस कंपनी ने उसे बनाया है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो दूसरा पॉइंट है वो है मल्टी लॉगिन एप्लीकेशन। दोस्तों, प्ले स्टोर पे आपके लिए कई सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप अलग अलग बैंकों के लॉगिन कर सकते हैं। हमें लगता है हम एक या दो बैंकों के एप्लीकेशन अलग अलग इंस्टॉल करने से अच्छा है कि एक ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें हमारे जो अलग अलग बैंकिंग के लॉगिन है, मोबाइल बैंकिंग के लॉगिन है, उनको हम लॉगिन कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ, किसी भी बैंक या फिर किसी ऐसी जेन्युइन कंपनी के द्वारा कोई ऐसा एप्लीकेशन अभी तक डेवलप नहीं किया है जिसमें कि आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग लॉगिन कर सकें। हाँ, यहाँ पर हैकर्स या फिर ऐसे चोरों के द्वारा ऐसे एप्लीकेशन बनाए गए जिसमें कि हम उनको डाउनलोड करते हैं इसके लिए कि हमें अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करने पड़े और उसी एप्लीकेशन के अंदर हम सारे जो बैंक हैं, हमारे जो अकाउंट हैं, उनको हम लॉगिन कर पाएँ। तो बस यही होती है सबसे बड़ी गलती और हम ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर बैठते हैं और हमारा जो डाटा है वो लीक हो जाता है और हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। तो उसी एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि प्ले स्टोर पर ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फेक हैं और लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनको इंस्टॉल कर बैठते हैं और अपना जो डाटा है वो लीक हो जाता है और उनके अकाउंट से लाखों रुपये गायब हो जाते हैं। अगर आप किसी बैंक के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए, तो उसके लिए आप बैंक से पूछ सकते हैं, बैंक से जान सकते हैं, बैंक से उस एप्लीकेशन का लिंक मांग सकते हैं जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप एक जेन्युइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आप गलत एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो बेसिकली आपका डाटा चोरी होना पक्का है। तो इसके लिए आप अपने बैंक से मांग सकते हैं उस एप्लीकेशन का लिंक या फिर उस एप्लीकेशन को आप बैंक से भी ले सकते हैं। तो बस इन्हीं बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर होगा और आपके जो अकाउंट की डिटेल है वो कभी लीक नहीं होगी। दोस्तों, प्ले स्टोर पर मोबाइल बैंकिंग के लिए फेक एप्लीकेशन के बारे में और कोई भी डिटेल मुझसे मिस हो गई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक को मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।